अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, ये डिजिटल क्लॉक है जो आम तौर पर मस्जिदों में लगी होती है। कुछ लोगों को इसका ना मगरिब का टाइम सेट करना नहीं आता, क्योंकि मगरिब का टाइम ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए, पर कुछ लोग इसको डेली सेट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऑटोमेटिक कैसे सेट करते हैं। तो जी भाइयों, इसको सबसे पहले आप अनलॉक करेंगे, नंबर 5 को आप प्रेस करके रखें 5 सेकंड के लिए, तो ये अनलॉक हो जाता है। तो इसके बाद आपने इसको मेन्यू पे जाना है, क्योंकि हमने जमात का टाइम चेंज करना है। तो अब हम जाएंगे जमात तरतीब पर, उसके बाद आपने इसको सेट का बटन दबाना है। तो अब ये फजर का टाइम आ गया। अब आप कुछ भी फजर का टाइम सेट कर सकते हैं, इसी तरह जोहर असर, इसको आप सेट को दबाते जाएं, क्योंकि हमने मगरिब का टाइम सेट करना है, इसलिए हम डायरेक्ट मगरिब पे जाते हैं। अक्सर लोगों ने ऐसे सेट किया होता है 5:47 पे, लेकिन ये आपको डेली का 1-2 मिनट का फ़र्क पड़ता है, तो आपको डेली चेंज करना पड़ेगा। तो आप चाह रहे हैं कि इसको आप ऑटोमेटिक सेट करें, तो जहाँ पर ये 5 आ रहा है, इस पर इसको आपने 0 कर देना है, ठीक है। और इसके बाद सेट का बटन दबाएं, 47 पे आपने 5, 6, या 7 मिनट का वक्फ़ा, कि अज़ान के कितनी देर बाद आप जमात चाहते हैं या टाइम है। हमारे इस मस्जिद में 6 मिनट के बाद जमात खड़ी होती है। अज़ान के 6 मिनट बाद जमात हो, तो ये 6 मिनट कर दिया, 0:56, ठीक है। अब आप इसको सेट करेंगे, दिशा सेट होगी, बस इसको एग्जिट सेट चाहिए। उसके बाद अब हम एग्जिट करेंगे, तो ये देखें भैया, 5:56 पर टाइम सेट हो गया है। और अब ये डेली इंशाल्लाह ताला ऑटोमेटिक खुद ही चेंज होता रहेगा। अब आप जब देखना चाहते हैं कि वहाँ पर हम सेटिंग कैसे की है, तो आप दोबारा उसमें जा सकते हैं, जमात तरतीब, क्योंकि फजर 5:50 पे, इसी तरह जोहर असर और मगरिब। अब देखें मगरिब की टाइम सेटिंग 0:06 की है, लेकिन वहाँ पर 5:56 आ रहा है, ये ऑटोमेटिक चेंज होगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मगरिब का वक्त सेट करना आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।